हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जो ऑक्सी एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, उसके स्ट्रक्चर्स को कैसे लिखा जाता है उसको देखेंगे। राइट, एक सिंपल मेथड है ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए रिलेटेड इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई है ट्रिक की, जिसमें आप ऑक्सी एसिड्स के, जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, उनके नेम्स को देख के उनके फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, मतलब फॉर्मूले को देख के उनके नेम्स को कैसे लिख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक है, वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। राइट गाइज, सो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अगर आपको सपोज नेम के थ्रू स्ट्रक्चर बनाना है या इसके थ्रू स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप उसके थ्रू लिंक कर सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले आपको, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं, मैं बता दूं गाइज कि ऑक्सी एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जिसमें बेसिकली जो ऑक्सीजन एटम है एक एच से जुड़ा होता है और एक दूसरे सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा, जैसे इसमें फॉस्फोरस। राइट, अगर ये एक बॉन्डेज है तो उसको आप ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। नाउ जब आप फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो आपका पी यानी जो सेंट्रल एटम है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। राइट गाइज, यानी इसकी चार वैलेंसीज होंगी, लेकिन हमें पता है जो फॉस्फोरस है या तो उसकी तीन वैलेंसी बन सकती है, यानी PCl3 इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या PCl5 यानी पांच वैलेंसी बन सकती है। कैसे, मैंने आपको देखिए बताता हूँ। फॉस्फोरस का बेसिकली एटॉमिक नंबर 15 होता है। अगर आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे इन ग्राउंड स्टेट, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एंड 3d0, थर्ड ब्लॉक से डी शुरू हो जाता है। आउटर मोस्ट शेल का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये एस ब्लॉक, ये तीन एक एक सिंगल, और डी जो आपका है 1 2 3 4 एम्प्टी है। अब यहीं पे अगर आप, अब देखिए PCl3 बनेगा तो एक एक Cl इससे जुड़ जाएगा। राइट गाइज, सो PCl3 बन जाता है। अगर यहीं पे आपका फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दे दें इसको, तो जो ये आउटर मोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये डोनेट कर देता है इसको डी ब्लॉक को, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मैं आउटर शेल का ही बनाता हूँ, 3s1, 3p3 एंड 3d1, मतलब ये एक हो जाता है, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं एक एक करके, और जो ये डी ब्लॉक है यहाँ पर एक आ जाता है। इसका मतलब अब पांच सीएल यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसका मतलब जो फॉस्फोरस आपकी मैक्सिमम पांच वैलेंसी रख सकता है, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रली अटैच्ड है। इसका मतलब एक जो पी है गाइस, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ होगा। ये आपको सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। नाउ फॉस्फोरस एसिड जो ये बेसिकली आपको बनाने हैं, इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये याद रखिए गाइज, जब भी कोई आपको कोई फॉर्मूला दिया हो तो उसमें जो पी है, एक पी से एक डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ होगा हमेशा, इससे ज्यादा नहीं। राइट गाइज, उसके बाद जितने भी ओ एंड एच हैं उनको बैलेंस करना है ओ एच से। अगर ओ एच खत्म हो गए हैं तो बाकी एच जोड़ दें। सिंपल, इसी तरह आपको बनाना है। राइट गाइज, कैसे मैं आपको बताता हूं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले मैं आपको एक, जो पहला है H3PO2 यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड को आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। मैंने आपको कहा सबसे पहले आप पी बनाएं, एक डबल बॉन्ड ओ बना दें बस। नाउ दो ओ थे, एक ओ खत्म हो गया, यानी एक, अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 1+1, पी वन था, एच कितने हैं, 1 1 1। नाउ एक ओ खत्म, खत्म, एक ओ बचा, एक पी खत्म। नाउ ये कैसे बन जाएगा ओ एच से, तो आप यहाँ पे एक ओ एच जोड़ दें। बाकी ये कितने हैं, एच बचे दो, तो यानी दोनों को एच ऐसे जोड़ दें, यानी ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो गया, H3PO2 का हाइपो फॉस्फोरस एसिड का। अब सपोज आपको H3PO3 का स्ट्रक्चर बताना है, जिसको आप फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोल सकते हैं। अगेन
कैसे बनाएंगे, एक पी लिया, उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया। अब एच कितने हैं, 1 1 1 3, पी कितना है 1 एंड ओ कितना है 1 1 1 3। नाउ पी है डबल बॉन्ड ओ, पी एक खत्म, एक डबल बॉन्ड ओ खत्म। नाउ एक एच एंड एक ओ जोड़ के आप एक ओ एच बना दें, एक ओ एंड एक एच को बना के दूसरा ओ एच बना दें, बाकी बचा एक सिंगल एच, आपको एच बना दें। तो ये क्या हुआ आपका स्ट्रक्चर H3PO3 का। सिमिलरली अगर आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, अगेन एक पी बनाएं, डबल बॉन्ड ओ जोड़ दें, एच कितने हैं 1 + 1 + 1 3, पी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1 1 1 1 4। नाउ एक पी एंड ओ खत्म, एक पी एंड ओ खत्म। अब एक एच को लें, एक ओ को लें, ओ एच, राइट गाइज, अगेन एक एच को लें, एक ओ को लें, अगेन ओ एच, अगेन एक एच को लें और फिर से ओ एच को लें, यानी ये जुड़ गया ओ एच, H3PO4, ये स्ट्रक्चर हो गया ये। अब नाउ गाइज आपको मैं बता दूं कि जो H3PO4 है, मैं जस्ट FYI बता रहा हूँ, ये तो आपका स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन जो H3PO4 है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बनता है। जैसे अब देखिए, सपोज ये पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच है, अगर ऐसे दो स्ट्रक्चर मिल जाएं, राइट गाइज, तो ये क्या बन जाता है, एक डाइमर बन जाता है। कैसे, एक एच टू ओ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एंड ओ एच, राइट गाइस, समझ में आया आपको। और आप अगर देखें इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, H4P2O7, ये सिर्फ आपको बता रहा था मैं, इसमें और भी जुड़ सकते हैं ऐसे, यार एच टू ओ निकल जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। सो अगर H4P2O7 को आपको डायरेक्ट बनाने को बोला है तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए H के कितने हैं 1 1 1 1 4, P के कितना है 1 1 2, O कितना है 1 2 3 4 5 6 7, राइट गाइस। अब क्या करूंगा मैं, P कितने हैं 2, 2 P बना दिए, राइट गाइस, सिंपल, दोनों पे एक एक ओ ओ जोड़ देते हैं, मैंने आपको बताया था, यानी दोनों P खत्म हो गए, दोनों ओ खत्म हो गए। अब एक H एक ओ, ओ एच, अगेन एक एच एक ओ एच, इस पे सिमेट्रिकल लेके चलते हैं, फिर से एक एच एक ओ, ओ एच, राइट गाइज, फिर से एक एच एंड एक ओ, ओ एच, लास्ट बचा ओ, दो ओ की कितनी होती है 2 वैलेंसी, यानी ओ, ऐसे जोड़ दें और वही H4P2O7 बना जो आपका यहाँ बना था। ये रिएक्शंस होती हैं इसकी, ये आपकी मैं दूसरी वीडियोज में बनाऊंगा, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ आपको, राइट गाइस। सिमिलरली अगर आपको H4P2O6 को बनाने को बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे, खुद ट्राई करके देखें गाइस। H कितना 1 2 3 4, P कितना 1 2, O कितना 1 2 3 4 5 6, अगेन P 2 हैं तो 2 P बना दें एंड 2 O बना दें उस पर, राइट गाइस, ये खत्म। अब एक एच एक ओ, एक एच एक ओ, एक एच एक ओ, एक एच एक ओ, अगेन एक एच एक ओ, यहाँ पे एक एच एक ओ, फिर से एक एच एक ओ, यहाँ पे क्या हो गया ए एच एक ओ, राइट। नाउ अब क्या बचा, अब देखिए फास्फोरस की इसमें 4 वैलेंसीज है, इसमें 4 वैलेंसीज है, कोई आइटम नहीं बचा तो इन दोनों को जोड़ दें, राइट। तो कैसा बना, पी डबल बॉन्ड ओ, पी पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच ओ एच, ओ एच एंड ओ एच, ये आपका H4P2O6 बन गया। आई होप गाइज आपको एक समझ में आया होगा ये सब कुछ। लास्ट बताता हूं आपको मैं HPO3। अब ये गाइज ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने आपको अब तक बताया कि जो आपके ऑक्सी एसिड्स हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बनेंगे, जिसमें एक दो जो वैलेंसी हैं उसकी ओ में सेटिस्फाई हो जाएंगी, बाकी की 3 इस तरह रहेंगे, राइट। अब HPO3 अगर आप गौर से देखें, वन सिंगल वन एच है,
एक पी है एंड ओ वन टू एंड थ्री है। अगर मैं इसको सिंपल अपने मेथड से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, पी पे दो ओ, एक पी एक ओ खत्म हो गया, एक एच एक ओ एच, ओ एच, राइट गाइज। सो अगर आप देखें तो एक ओ बचा, दो वैलेंसी हैं। तो अगर आइडियली आपको इसको कैसे बनाना चाहिए, इस तरह से। लेकिन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो है नहीं, मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो HPO3 है, जिसको आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, वो कभी भी इस तरह से सिंगल जो आइसो इस स्ट्रक्चर है HPO3 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। HPO3 हमेशा गाइज एक पॉलीमर की फॉर्म में होता है। अगर मैं सिंपली अब क्या करूंगा, देखिए अब डाइमर बनाना है तो सिंपल क्या करें, ये ओ है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, राइट गाइस, ट्रिक है ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ओ ओ, दो वैलेंसी ओ ओ इसमें आ गई। अब क्या करें, सिमिलरली ए के जू का तू पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट गाइस, सो दो वैलेंसी ओ की इस तरह जोड़ दें इसमें, सो ये डाइमर बन गया। सिमिलरली अगर आपको ट्राइमर बनाना है तो ट्राइमर भी ऐसे बन जाएगा, अगर PO3 का थ्राइस, राइट गाइस, याद है H3 P3 एंड O6, सो पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ, एक ओ एच, राइट, इस पे एक ओ एच, इस पे एक ओ एच जोड़ दें। अब दो वैलेंसी ओ ओ, इसकी दो वैलेंसी ओ, राइट, ऐसे ये ट्राइमर बन जाएगा। आई होप गाइज आपको ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी, राइट गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।